कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण किया नारद जी ध्रुव जी महाराज को साधन करने का जो प्रणाली है, हरि आराधना करने का जो सिस्टम है, उसको उन्होंने ध्रुव जी को उपदेश दिया। क्योंकि जब तक गुरु चरण में प्रणत नहीं होगे और प्रणत शिष्य को श्री गुरुदेव भगवत आराधना करने के लिए जो निर्देश देते हैं, बल्कि वही निर्देश ही उस शिष्य का एकमात्र कर्तव्य हो जाता है पालन करने के लिए। इसलिए गुरुमुख के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो उपदेश है, वही उपदेश ही साधक को भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रचना किया है, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करी हो मने आशा। गुरुदेव प्रणत शिष्य को जो निर्देश दिए हैं, वास्तव में जो शिष्य गुरु के निर्देश को उपदेश को अपने हृदय में धारण करके उसी के अनुसार ही वे भगवत आराधना करता है, तो वे अवश्य भगवत कृपा प्राप्त करता है। इसलिए नारद गोस्वामी जी भी ध्रुव जी महाराज को साधन के प्रणाली को सुष्ट रूप से वर्णन करके बताया और ध्रुव जी भी अपने गुरुदेव श्री नारद गोस्वामी जी के श्रीमुख से जो उपदेश प्राप्त किया था उसको शिरोधार्य करके उन्होंने नारद जी का चार बार परिक्रमा किया और परिक्रमा करके नारद गोस्वामी जी ने जिस स्थान को निर्दिष्ट किया था, कौन से स्थान को, भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली मधुबन में जाकर के कालिंद के किनारे में जमुना जी के तट पे साधन करने के लिए ध्रुव जी को निर्देश दिया था, तो ध्रुव जी ने गुरुदेव के निर्देश के अनुसार मधुबन के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ध्रुव जी उस तपोवन के लिए जाते हैं, इधर नारद जी राजा उत्तानपाद के राज्य में प्रवेश करते हैं। वहां प्रवेश करके राजा जैसे ही नारद जी को देखते हैं, नारद जी का अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको पाद्य अर्घ्य के द्वारा पूजा करते हैं। उसके बाद नारद जी को एक सुंदर सिंहासन में बैठने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। नारद जी सिंहासन में बैठने के बाद
देखते हैं कि राजा का मन, राजा उत्तानपाद का मन बिल्कुल म्लान हो गया है, जैसे कि कोई विशेष गंभीर चिंता में है। चिंता में आदमी क्यों पड़ता है, क्यों उसका मुख सूख जाता है, अत्यधिक चिंतित क्यों होता है? या तो उसके धर्म का नाश होने से, चाहे वर्णाश्रम धर्म का नाश मान लो, ब्रह्मचारी का जो ब्रह्मचर्य धर्म है, गृहस्थी का गारस्थ्य धर्म है, वानप्रस्थी का वानप्रस्थ्य धर्म है, और सन्यासी का सन्यास धर्म है, बल्कि ये धर्म जब नष्ट हो जाता है, नाश होता है, तभी आदमी एकदम दुखी सा हो जाता है, म्लान मुख हो जाता है, उसका मुख सूख जाता है। या तो किसी का अर्थ नष्ट हो जाता है, धन नष्ट होने से भी आदमी एकदम किंग कर्तव्य विमुडंग हो जाता है, और या तो उसके कामनाओं को पूर्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित होने से आदमी चिंतित होता है। तो नारद गोस्वामी जी ने राजा उत्तानपाद के ऐसा मलिन मुख को देख करके उन्होंने यही तीन कारण पूछते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्या आपका भी कोई विशेष क्षति हुआ है क्या, जिसके कारण आप इतना दुखी सा हो, इतना मलिन मुख होकर के आप निराश होकर के बैठे हो? नारद गोस्वामी तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी राजा उत्तानपाद का परीक्षा लेने के लिए अनजान सब मालूम पड़ के बता रहे हैं कि क्या हुआ आपको। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर के राजा उत्तानपाद कहते हैं कि मैं क्या बताऊं ब्राह्मण, मेरे 5 वर्ष का छोटा सा एक सुबोध बालक, मेरा पुत्र ध्रुव का कथा को उसके चिंता करते करते मेरा मन अत्यधिक व्यथित हो रहा है। देखिए मैं कितना निष्ठुर हृदय हूं, मैं अपने स्त्री के वशीभूत होकर के उस बालक को निर्वासित तो किया ही, उस बालक के मां सोनीति को भी निर्वासित कर दिया है, अर्थात राज्य से निकाल दिया है, राजमहल से अलग कर दिया है। कहते हैं नारद गोस्वामी जी, अभी मेरे वो छोटे से अनाथ बालक, क्या मैं कभी उसको दोबारा देख पाऊंगा? वो इतना घरघोर जंगल में गया है, वहां पर उसका रक्षा कौन करेगा, उसका पालन कौन करेगा? और जंगल में तो इतना कांटे से कंकड़ से भरा हुआ पथ होता है, उस जिसने कभी राजमहल से बाहर पैर ही नहीं रखा, आज इसे कंटका किरणम पथ में भ्रमण कर रहा है, कितना कष्ट प्राप्त पा रहा होगा मेरा पुत्र। क्या उस वन में उसके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था है, या कौन करेगा? इसलिए मेरे पुत्र के उस म्लान बदन को देख चिंता करते करते मैं अस्थिर हो जाता हूं, एक मिनट के लिए भी मुझे कहीं स्थिर होकर मैं बैठ नहीं पाता हूं, और खाने सोने की बात तो अलग है। वास्तव में जब से ध्रुव राजा उत्तानपाद के साम्राज्य को छोड़कर के वन में गमन किया, उसी दिन से मानो राजा उत्तानपाद सोया नहीं, स्थिर होके एक जगह में बैठा नहीं, या कोई आहार भी विशेष रूप से ग्रहण किया नहीं है। जब पुत्र यहां पर था, तब पुत्र के प्रति प्रेम होने पर भी उस स्त्री के भय से, स्त्री के वशीभूत होकर के वे ध्रुव जी को प्रेम नहीं कर पाए थे। लेकिन ध्रुव जी जाने के बाद
राजा भी सोचते हैं कि छोड़ो, किस स्त्री की ओर वशीभूत मुझे नहीं होना है। इसलिए नारद गोस्वामी जी को पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मेरा पुत्र ध्रुव कहीं अभी जीवित है या नहीं। उस घनघोर जंगल में मेरे उस बालक को जो कि असहाय है, उसको जंगल के जो हिंस्र सिंह है, शेर है इत्यादि हिंस्रक पशु कहीं उसको भक्षण करके शेष तो नहीं कर दिया है। देखिए मैं कैसा दुर्वृत्त हूँ, कैसा हतबुद्धि हूँ कि वो छोटे से पुत्र शिशु प्रेम वशतः वो मेरे गोदी में उठने के लिए प्रयास किया था, इच्छा प्रकाश किया था, परंतु मैं ऐसा नराधम हूँ कि स्त्री के वशीभूत होने के कारण मैं उसको थोड़ा सा आदर भी नहीं कर पाया, उसको आदर युक्त तो थोड़ा सा बातें भी नहीं किया मैंने। लेकिन मेरा पुत्र ध्रुव कितना सुशील है, कितना सुकुमल है, उसके हृदय उसके लिए मेरे हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तब नारद गोस्वामी कहते हैं कि महाराज, आप अपने पुत्र के लिए इतना विलाप मत करिए, इतना चिंतित मत होइए, और अवश्य आप उसके पिता होने के कारण ये आपके अंतर हृदय से जो व्यथा निकल रहा है ये तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन आपको इतना व्यथित होने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके पुत्र का किसी प्रकार का भी अमंगल नहीं हुआ है। देवतागण हमेशा आपके पुत्र की रक्षा करते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी देख पाएंगे कि आपके पुत्र का जो यश है, कीर्ति है, ये त्रिभुवन में व्याप्त हो जाएगा। त्रिभुवन के लोग आपके पुत्र की यश कीर्ति को गान करते रहेंगे, और ऐसा यश कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जब वे सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं, बोलते उन ध्रुव जी के कीर्ति को एक बार दो बार नहीं, सौ सौ बार श्रवण किया है, ऐसा कीर्ति। क्योंकि भक्त के कीर्ति को, भक्त के यश को श्रवण करके भगवान को जितना आनंद प्राप्त होता है, शायद ही उतना आनंद और कोई सेवा से उनको मिले। इसलिए भगवान छुप छुप करके कभी भक्त के रूप में, कभी आचार्य के रूप में हैं, वे स्वयं इस जगत में अवतरित होकर के अपने भक्त की महिमा को गान भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र की यश तीनों लोकों में गाया जाएगा, आप उस छोटे से बालक ध्रुव के महिमा को नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण आप इतना शोक कर रहे हैं। क्या बताऊं, अरे बड़े बड़े लोकपाल गण भी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि देवर्षि गण भी बोलते हैं, जिस दुष्कर भगवत आराधना रूप तपस्या को सुष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं, आपके पुत्र अत्यधिक निष्ठित युक्त होकर के बोलते वही भगवान श्री हरि की आराधना में अपने आप को प्रयुक्त करने के लिए वन में है, इसलिए बोलते उसके लिए, बोलते जीव जो भगवत आराधना बड़े बड़े लोकपाल गणों के लिए भी दुष्कर है, आपके पुत्र ध्रुव ये छोटे से उम्र में भी बोलते वे भगवान को जो कि दुष्कर आराधना है उसको करने में भी समर्थ है। महाराज उत्तानपाद
अपने पुत्र के इस प्रकार महिमा मंडित यश को सुन करके, किसके मुख से सुन करके, कोई साधारण के मुख से नहीं, नारद गोस्वामी जी के मुख से सुन करके वो अब तो केवल ध्रुव के चिंता में लगे रहे। बोलते हैं ध्रुव जी का चिंतन करते करते राजा उत्तानपाद के हृदय में जितना भी काम वासनाएं था, पत्नियों पत्नी के प्रति जितना आसक्ति था, बोलते वे सब के सब मिट गया। किसका चिंतन करके? ध्रुव जी का चिंतन करके। इसलिए भगवान के परम प्रिय जनों का चिंतन करके, स्मरण करके, उनके यशगान को श्रवण करके, श्रवण कार्य का भी, चिंतन कार्य का भी मन पवित्र हो जाता है। क्यों? बोलते वे ध्रुव के हृदय में अभी साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए उनका चिंतन करने के कारण राजा उत्तानपाद का मन भी परम पवित्र हो गया। अरे जो कंस, दुर्वृत्त कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका था, इतना अन्याय अत्याचारी कंस, जब 8वें गर्भ में भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो कंस अपने अनुचरों से सुना कि महाराज आपका शत्रु लगता है इस बार पक्का आया है माता के गर्भ में, क्योंकि जब से 8वां गर्भ माता के उदर में है तभी से ये काल कोठरी रूप जो जेल है वो इतना आलोक से उद्भासित हो गया है। इसलिए ऐसे आश्चर्य को सुन करके एक दिन कंस भी देखने जाता है कि वास्तव में है क्या, और वहां जाकर के देखता है कि सचमुच जो काल कोठरी था, घोर घनघोर अंधकार था, आज इतना उजाला में परिव्याप्त है। तो कंस के मन में कोई ईर्ष्या नहीं हुआ, वरम वे अपने बहन देवकी के पास जाकर के बड़े सुंदर सुंदर बातें कहता है। कहता है कि देखो मेरा बुद्धि कैसे देवताओं ने हर लिया था, जिसके कारण मैं मेरे बहन के प्रति इतना शत्रुता किया, उसको मैं बांध करके जेल में डाल दिया, और यहाँ तो यहाँ वे माता के गर्भ की वंदना भी करता है। अरे जिसको मारने के लिए इतना उद्यत है, उसका प्रयास है, आज वहां जाकर के वही गर्भ का भी स्तुति कर रहा है, बड़े पंडितों जैसे बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोलते माता के गर्भ में साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, इसलिए उस माता का दर्शन करके कंस का मन भी पवित्र हो गया था। लेकिन जैसे ही उसका मन वहां से हटा फिर आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गया। लेकिन राजा उत्तानपाद बोलते तब से ध्रुव का ही चिंतन करते करते उनके मन में समस्त प्रकार की इच्छाएं परिसमाप्त हो गया था। राज्य लक्ष्मी के प्रति उनका कोई आदर नहीं रहा, स्त्री पुत्र के प्रति भी उनका कोई आदर नहीं रहा, केवल ध्रुव। इधर ध्रुव जी क्या करते हैं, मधुबन में पहुंच करके जमुना जी के जल में स्नान किया, और उसी रात्रि को उपवास करके संयत भाव से एकाग्रचित्त होकर के देवर्षि नारद जी ने जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी उपदेश के अनुसार वे पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का आराधना करने में लग जाते हैं। बोलते ध्रुव जी ने ऐसा कठोर तपस्या किया, ऐसा कठोर तपस्या किया
कि उन्होंने जो पहले मास है, प्रथम मास में 3 दिन के अंतराल में तीसरे दिन आज थोड़ा सा कुछ खा लिया, खाने में भी क्या बोलते, वन में जो बद्री फल होता है, बद्री फल मतलब फूल, फूल होता ना, और एक कपित्थ होता है जिसको बेल फल कहते हैं, कच्चा बेल, कच्चा बेल और कुल, उसको खाते थे, लेकिन रोज रोज नहीं, तीसरे दिन खाते थे। तो उनका पहले महीना इस प्रकार स्वल्प आहार में 3 दिन के उपरांत में एक बार थोड़ा सा फल खा करके व्यतीत किया। उसके बाद जब दूसरे महीना आरंभ हुआ, दूसरे महीना में वह उन्होंने क्या किया बोलते, 6 दिन के अंतराल में पत्ते खा करके, पत्ते भी पेड़ से तोड़ के नहीं, जो पत्ते पेड़ से अपने आप झड़ गया है वो पत्ते को 6 दिन में थोड़ा सा खा करके दूसरे दिन ऐसे व्यतीत किया भगवान का सेवा करते करते। उसके बाद जब तीसरे महीना आया, उन्होंने 9 दिन के अंतराल में, 9 दिन बार एक बार वे केवल जल ग्रहण करते थे, आज जल पिया फिर 9 दिन तक जल नहीं, 9 दिन बाद फिर जल लेंगे, ऐसे करके तीसरा महीना व्यतीत हुआ। जब चौथा महीना आया, उन्होंने 12 दिन बाद केवल वायु का भक्षण करके, अर्थात वो 11 दिन तक वायु को भी रोक लिया था, 12वें दिन सिर्फ एक दिन वे वायु को अंदर लेते थे, बाकी 11 दिन वायु भी त्याग कर दिया था। ऐसे करते करते वे भगवान हरि का आराधना करने लगे। और जब 5वें महीना आया, तब वे अपने प्राण को जीत लिया, प्राण को जीत करके वे एक ही चरणों में, एक ही पग में निश्चल रूप से खड़े हो गए। तब तो प्राण को जीत लिया मतलब वायु का आहार करना भी, भक्षण करना भी छोड़ दिया, एक ही पैर में खड़े होकर के, अंगूठे में खड़े होकर के वे भगवान परब्रह्म श्री हरि का ध्यान करने लगे। बोलते हैं उनके प्रत्येक इंद्रिय, उनके चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, इनको विषय के स्वर से संपूर्ण रूप से अलग करके, विश्राम करके, इंद्रियों की चालना से संपूर्ण रूप से विरत होकर के अपने हृदय में भगवान श्री हरि को, भगवान के उस रूप को आकर्षण किया जिस रूप को नारद गोस्वामी जी ने वर्णन किया था। बोलते उस रूप का चिंतन करते करते, बोलते हृदय के द्वारा, हृदय के मध्य में उस रूप को आकर्षण करके ध्रुव जी अपने हृदय के अंतर में भगवान के उस रूप को दर्शन किया। बोलते हैं इस प्रकार ध्रुव जी ने प्रकृति और पुरुष के भी जो परमेश्वर है उस पर ब्रह्म का ध्यान करते करते उनका तेज इतना बढ़ गया कि उनके तेज के कारण कोई भी उनके तेज को समझ सहन करने में असमर्थ हो गया, कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। और बोलते हैं एक पैर में खड़े हुए हैं, एक पैर के एक उंगली में खड़े हुए हैं, उनके उस एक उंगली के भार से मानो पृथ्वी भी इस प्रकार हिलने डुलने लगा, पृथ्वी देवी भी ध्रुव जी के उस भार को उठाने में असमर्थ हो गया। बोलते हैं
जैसे गजराज नाभ में, समुद्र में कोई नाभ है, छोटे से नाभ है, उस नाभ में गजराज है ना, गजराज अपने एक पैरों में नाभ को जैसे इधर करते हैं फिर इधर करते हैं, हैं? अगर गजराज उस नाभ में खड़े खड़े एक पैर को इधर दबाए एक बार तो नाभ कैसे होगा, इधर आ जाएगा, फिर दूसरे पैर को इधर दबाए तो नाभ इधर आ जाएगा। बोलते ऐसे ही ध्रुव जी के उस चरणों की भार से पृथ्वी भी टलटलाने लगा, टलमलाने लगा, टलटलायमान होने लगा पृथ्वी भी, कंपमान होने लगा पृथ्वी। और बोलते हैं जब ध्रुव जी प्राण और प्राण के द्वार को संपूर्ण रूप से निरोध करके उस विश्वात्मा भगवान श्री हरि का श्वास को अवरुद्ध करके उस विश्वात्मा भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु का सम्यक रूप में आराधना करने लगे, तब तो ध्रुव जी अपने सांस को बंद करते ही संपूर्ण लोगों का सांस बंद होने लगा। सांस बंद होने से, घुटन होने से क्या हाल होता है? बल्कि स्वर्ग तक देवताओं का श्वास भी बंद होने लगा, अवरुद्ध होने लगा। देवतागण समझ नहीं पाए कि ये कौन सा क्लेश आ गया। और देवताओं को तो काम है, थोड़ा सा विपत्ति आता है, क्लेश होता है तो सीधे भगवान हरि के पास जाते हैं। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान हरि के पास पहुंचते हैं। भगवान हरि तो शरणागत वत्सल है, उनके शरण में जाने से वे सबके रक्षा करते हैं। देवतागण भगवान श्री हरि के चरण में शरणागत होकर कहते हैं कि हे भगवान, हम सब आपके चरणों के शरण में आए हैं और आप कृपा करके हमारे जो प्राण निरोध हो रहा है, हमारे श्वास अवरुद्ध रूप जो क्लेश हो रहा है, उससे आप हमारा उद्धार कीजिए। भगवान कहते हैं कि देवगण, जो बालक के कारण तुम सबका प्राण, तुम सबका नासा अवरुद्ध हो रहा है, मैं अभी जाकर के उस बालक को उस तपस्या से निवृत्त करूंगा। वो बालक कौन है? बोलते उत्तानपाद के नंदन है, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मदगत चित्त होकर के केवल मेरे प्रसन्नता के लिए वे मेरे आराधना में लिप्त है, एकांत रूप से मेरे मदगत चित्त होकर के वे मेरे ध्यान कर रहा है, जिसके कारण समस्त पृथ्वी का, समस्त स्वर्ग का भी श्वास अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए तुम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लेश से मैं अभी तुम लोगों को उद्धार करूंगा। ऐसे बोल करके भगवान पहुंच जाते हैं वहां पर मधुबन में, जहां पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। बोलते भगवान वहां पहुंचते हैं, समस्त देवताओं को, लोकपाल गणों को निर्भय करके भगवान वहां से मधुबन के लिए प्रस्थान करते हैं और समस्त देवतागण अपना स्वर्ग में जाते हैं। बोलते हैं उस सहस्र शीर्षा भगवान नारायण अपनी भक्त ध्रुव का दर्शन करने का अभिलाषा लेकर के, ऐसा नहीं कि अपना दर्शन देने के लिए, भगवान ध्रुव के दर्शन करने का अभिलाषा लेकर के वे गरुड़ के पृष्ठ में आरोहण होकर के मधुबन में उपस्थित होते हैं। वहां जाकर के देखते हैं कि ध्रुव पलते तीव्र योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा निश्चला बुद्धि होकर के आंखों को बंद करके वे भगवान के
रूप का ध्यान कर रहा है। और ध्यान करते करते ध्रुव जी समाधि अवस्था को प्राप्त तो हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में ध्रुव को उन समाधि अवस्था से थोड़ा सा विचित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने रूप का थोड़ा सा दर्शन उनके अंतरात्मा में कराते हैं। जैसे बिजली झट करके आता ना, फिर जला जाता है, ऐसे समाधिस्थ ध्रुव को समाधि से भंग करने के लिए बिजली मापी थोड़ा सा ध्रुव जी के हृदय में भगवान अपना रूप का विस्तार करते हैं। और भगवान के रूप का दर्शन करके ध्रुव जी एकदम चकित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतरित हो गए साथ साथ। ध्रुव जी चकित हो जाते हैं और बार बार प्रयास करते कि उस ध्यान के द्वारा पुनः उस रूप को दर्शन करें, लेकिन होता क्या है, जैसे ही ध्रुव जी अपने चक्षु को उन्मीलन करते हैं, आंखों को खोलते हैं, वे अपने सामने भगवान श्री हरि को दंडायमान करते हुए दर्शन किया। भगवान श्री हरि ध्रुव जी के सामने विराजमान है। अभी ध्रुव जी सोच नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, संभ्रम हो गए। वे साथ साथ भूमिष्ठ होकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान के ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य को देख करके मानो उनका नेत्र भगवान के उस रूप को पान कर रहा है। नेत्रों के द्वारा भगवान के रूप माधुरी का ध्रुव जी पान कर रहे हैं, मुख के द्वारा वहाँ दंडायमान होते हुए हैं भगवान को चुंबन कर रहे हैं, बाहों के द्वारा भगवान को आलिंगन कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, बल्कि चिंतन के द्वारा वे भगवान के रूप को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन उसी जगह में खड़े खड़े हाथ जड़े हुए अपने नेत्रों से भगवान के रूपों का, रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, जो सबके हृदय के अंतर्जामी है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में जो हरि विराजमान है, बल्कि उन हरि को, उन हरि के दर्शन करके ध्रुव जी उनका स्तुति करना चाहते थे, उनको कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्रुव जी भगवान को क्या बोले, क्या स्तुति करें। भगवान श्रीहरि ध्रुव जी के हृदय के बात को, हृदय के भाषा को समझ करके उन्होंने क्या करते हैं, अपने शंख लेकर के ध्रुव जी के कंठ में थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं। बोलते जैसे ही भगवान अपने हस्त के द्वारा शंख को लेकर के ध्रुव जी के कंठ का स्पर्श कराते हैं, ध्रुव जी अपने जीवा के द्वारा भगवान का इतनी सुंदर स्तुति करते हैं। बल्कि परमात्मा तत्व क्या है और जीव तत्व क्या है, जीवात्मा और परमात्मा के तत्व को उन्होंने इतना सुंदर रूप से अपने स्तुति के माध्यम से वर्णन किए हैं। सोच नहीं सकते, छोटे से 5-7 का बालक ऐसा सिद्धांत पूर्ण, तत्व पूर्ण वाणी के द्वारा भगवत स्तुति, और ध्रुव जी का स्तुति स्तव इतनी हाई लेवल का है ना, इसको कोई साधारण व्यक्ति, ऐसे कि बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसा स्तुति है। तो ध्रुव जी भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान,
बोलते ये जो अनंत विश्व ब्रह्मांड है ये आपके एक इच्छा मात्र से सृष्टि होता है और आपके एक इच्छा मात्र से ये आपके अंतःकरण में पुनः प्रविष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो बोलने का शक्ति है, वाक शक्ति है, वो तो निस्तेज हो गया था। मेरा हाथ, पद, कर्ण, त्वचा, ये सब इंद्रिय निस्तेज हो गया था, केवल आपके स्पर्श करने मात्र से वे सब पुनः संजीवित तो हो गया है। इसलिए हे भगवान, आपके कृपा से ही मैं आपका दर्शन करने को समर्थ हो रहा हूँ, आपके गुणगान करने को समर्थ हो रहा हूँ। इसलिए मुझ अबोध बालक का अगर कोई भूल त्रुटि भी हो जाए, आप कृपा करके मुझे क्षमा करना और आप कृपा करके मेरे नमस्कार को ग्रहण करना। ध्रुव जी वहाँ स्तुति के माध्यम से कहते हैं कि हे भगवान, आप अपनी ये त्रिगुणात्मक माया के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। किस प्रकार से सृष्टि करते हैं? बोलते सृष्टि करके उस विश्व के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में आप परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। बोलते हैं जैसे एक अग्नि बहुत से काष्ठ के द्वारा ज्वलित होकर के अनेक रूप में दिखाई देता है, अलग अलग लकड़ी में अलग अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन है तो वही अग्नि ही है। इसलिए हे भगवान, ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी जीव जगत है, प्रत्येक जीव के हृदय में आप एक होने पर भी बहु रूप से, अंतर्जामी रूप से विराजमान है। क्योंकि प्रभु आप तो आर्त बंधु हो, आर्त रूप से जो आपको पुकारता है, आर्त होकर के जो आपसे प्रार्थना करता है, आप उसके समक्ष प्रकट हो जाते हो, उसके समस्त दुख को दूर कर देते हो और आत्मीयता से संयुक्त होकर के आप उसको परिपूर्ण रूप से अपने चरणों की सेवा में लगा देते हो। इसलिए आप आर्त बंधु हो। बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति सो करके उठता है, सो करके उठते ही उसको इस जगत के वस्तुओं का दर्शन होता है, अपने घर का, घर के व्यक्तियों का देख पाता है वो सो करके जब उठता है। लेकिन जब निद्रित अवस्था में होता है तब तो वो निद्रा में है, कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सो करके वे उठता है उसके ये विश्व की जावतीय वस्तु साक्षात रूप से अनुभव भी होता है और दर्शन भी होता है। बल्कि उसी प्रकार आपके चरणों में जो शरणागत है वे आपके कृपा शक्ति के फल स्वरूप उसके हृदय में आपके तत्व का ज्ञान जागृत तो होकर के वे यथार्थ रूप से आपके स्वरूप को अनुभव कर सकता है। क्योंकि जब तक भगवत तत्व ज्ञान जीव को नहीं प्राप्त होता है तब तक वे सो रहा है, घनघोर अंधकार में सो रहा है। क्योंकि उस तत्व ज्ञान, उस संबंध ज्ञान को प्राप्त किए बिना वे केवल आहार, निद्रा, भय, मिथुनांच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, बल्कि पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो आपके शरणागत होकर के, भगवत शरणागत होकर के भगवत तत्व ज्ञान को जो अनुभव किया है, वास्तव में वो व्यक्ति क्या सोते, क्या जगते, खाईते सोईते जथा तथा नाम लोए, प्रत्येक क्षण उसको भगवान का अनुभव होता है, वे भगवान का उपलब्धि करने में समर्थ होता है।
कारण क्या बताया ध्रुव जी ने, एक ही क्वालिटी होना चाहिए, वो है शरणागति। क्योंकि जहां परिपूर्ण शरणागति होता है वहां पर सब कुछ लग जाता है, प्राण भी लगता है, अर्थ भी लगता है, वचन भी लगता है, शरीर भी लगता है। इसलिए जहां पर हमारी इंद्रियां लगती है, जहां पर ये संपूर्ण शरीर लगता है, उन इंद्रियों की प्रवृत्ति भी वहां पर ही जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, वेयर एज वी आर एंगेज आवर माइंड आवर इंटेलिजेंस आवर वर्ड्स, हैं कहते हैं ना, बोलते जहां पर हमारे इंद्रियां, हमारे वाणी, हमारे शरीर, हमारे धन, हमारे मन लगेगा, हमारा बुद्धि भी वहीं जाएगी। इसलिए शरणागत का मतलब है प्राणेर अर्थे धिया वाचा, प्राण के द्वारा, अर्थ के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा परिपूर्ण रूप से भगवत चरणों में शरणागत होकर के, बल्कि शरणागत होकर के ही सदगुरु के द्वारा उस तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। उस तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही भगवान के स्वरूप का उपलब्धि करने में समर्थ होता है, क्योंकि हे भगवान, आपके जो पाद पद्म है, आपके जो चरण कमल है, ये मुक्त कुल पुरुषों का मुक्त कुल रूपास्यमानम आश्रय स्वरूप है, उनका एकमात्र उपास्य है, एकमात्र आराधनीय वस्तु है आपके चरण कमल। किसका? मुक्त पुरुषों का, जिनका इस संसार के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रभु आप उन मुक्त कुल पुरुषों के आश्रय स्वरूप है, आपके पाद पद्मों का आश्रय करके, आपके पाद पद्मों में शरणागत होकर के, बोलते हैं उस पुरुष गण मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। अगर मुक्ति भी प्राप्त करना है तो केवल भगवत पाद पद्म को आश्रय करके ही मिल सकता है। इसलिए जो लोग परिपूर्ण रूप से आपके चरणों को प्राप्त करके उपकृत हुए हैं, वे सब मुक्त पुरुषगण आपके पाद पद्मों को किस प्रकार से विस्मृत हो सकते हैं, हैं? किस प्रकार से भूल सकते हैं? भाई जिन पाद पद्मों के शरण में आकर के समस्त शोक दूर हो गया है, समस्त मोह दूर हो गया है, हैं? समस्त प्रकार के भय दूर हो गया है, और जहाँ आकर के अमृत का आस्वादन होता है, सुशीतल अनुभव होता है, बोलते उस पाद पद्मों को कोई विस्मृत हो सकता है? ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों के आश्रय में जो सुख है, जो शांति है, जो शीतलता है, वो और इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। ध्रुव जी इस बात को प्रमाण करते हैं, क्योंकि क्योंकि भगवान आप वांछा कल्पतरु हो, आप जीवों के समस्त प्रकार के वांछा को परिपूर्ण करते हो, ऐसे कि उनके ये जीवों के ये जो जन्म मरण रूपी जो माला है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार यहाँ त्रिताप में दग्धीभूत होना, ये जन्म मरण रूप माला से आप उसको मुक्त करा करके अपना भृत्य बना देते हो। लेकिन भगवान कहते हैं एक बात, मैं अपना भृत्य तब बनाता हूं, अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षु पतिगेहहीनम, कि भैया मेरे चरणों का आश्रय करने वाला के लिए तो पहले ये सहन करना पड़ेगा, चाहे वो कितने बड़े धनी व्यक्ति क्यों ना हो, संभ्रांत परिवार से क्यों ना हो, मैं उसको रास्ते का भिखारी बना देता हूँ।
उसके बाद भी अगर वो मेरे आशा नहीं छोड़ता है तो मैं उसको अपना भृत्य बना देता हूँ। यदि करे अमार आश तार करी सर्वनाश। भगवान कहते हैं कि मेरे आशा करने वाले व्यक्ति का मैं सर्वनाश कर देता हूँ। कैसा सर्वनाश? बोलते हैं जिस अभिमान को लेकर के वो इतना प्रमत्त रहता है कि मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना पंडित हूँ, मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, इस प्रकार के जो उसका अभिमान है उसका भगवान सर्वनाश कर देते हैं। तब वो न छाड़े आस तबे करी दासेर दास। बोलते इतना करने के बाद भी अगर वो मेरे आशा नहीं छोड़ता है, कई बार लोग ना घबरा जाते हैं, अरे हम सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आया नहीं, भगवान हमको क्या सुविधा दे रहे, देखो यहाँ भिखारी भिक्षा भिखारी बना दिया, भिक्षा मांगना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं, ये नहीं वो नहीं है, थोड़ी दिमाग ऐसे व्यक्ति फिर चले जाते हैं, सोचते इससे अच्छा तो हम घर में थे भैया, एसी में सोते थे, पत्नी बना के गरम गरम खिलाती थी है? तो ऐसा निराश होकर के वे लोग चले जाते हैं। लेकिन भगवान कहते चलेगा नहीं इसे करने से, बोलते मैं निराश करूंगा, बार बार निराश करूंगा, लेकिन उसके बाद भी आशा नहीं छोड़ के अगर मेरे भजना में मेरी सेवा में लगा है तभी करी दासिर दास, तब मैं उसको अपने दासों का दास बना लेता हूं। बोलते भगवान उसको अपना नित्य भृत्य बना करके उसके अपने चरणों का नित्य सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अन्य किसी कामना लेकर के, अन्य किसी कामना के उद्देश्य से भगवत आराधना करता है, ध्रुव जी कहते हैं कि उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। और क्यों? यहां तक ध्रुव जी कहते हैं कि दूसरे कामनाओं को लेकर के अगर भगवान श्रीहरि का आराधना में लगोगे तो वे व्यक्ति जीते जीते मृत है, वो सब जैसा है। इस प्रकार से सब मरा हुआ शरीर जड़ होता है, हैं? और उस जड़ शरीर के द्वारा इंद्रियों का कोई भोग विलास नहीं रहता है, हैं? बोलते उसी प्रकार व्यक्ति इंद्रिय सुख जनित स्वतुच्छ आशा अभिलाषा को लेकर के, इच्छा को लेकर के भगवान का आराधना करता है, तो व्यक्ति उस विषय भोग तो प्राप्त करता है, लेकिन विषय भोग प्राप्त करके क्या करता है, उस तद विषय भोग जनित इंद्रिय सुख के गहरे गड्ढा में पड़ करके वे फिर नरक को प्राप्त करता है। इसीलिए ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान, आपके परम प्रिय जनों के मुख से आपके चरित्र कथा का श्रवण, आपके चरणों की सेवा में जो आनंद है, बल्कि ब्रह्मानंद में, वो ब्रह्मानंद में उस आपके चरण सेवा रूप सुख के सामने, आपके परम प्रिय भक्तजनों के मुख से आपकी कथा रूप सुख के सामने, आपके ध्यान रूप परम आनंद के सामने ब्रह्मानंद तो वहां किसी गिनती में भी नहीं आता है। बल्कि वहां पर ब्रह्मानंद के सुख को अति तुच्छ के रूप में गणना किया जाता है, और स्वर्ग की सुख को तो वहां कोई स्थान ही नहीं है, स्वर्ग की कामना का, स्वर्ग का सुख तो अति तुच्छ हो जाता है फिर वहां पर।
अरे ध्रुव जी बताते हैं, बोलते हैं कि स्वर्ग में जो सुख प्राप्त करने जो देवता लोग हैं, बोलते वे भी एक दिन काल के तलवार के द्वारा उसके सीढ़ी को काट करके उनको ही पतित किया कर दिया जाता है। अर्थात जब तक उनका पुण्य रहता है तब तक वो लोग वहाँ रहते हैं, नहीं तो उनको वहाँ से धकेल दिया जाता है। वे भी इस मृत्यु भूमि में पतित होते हैं। इसलिए हे अनंत, हे विश्वात्मा, बोलते जितने भी शुद्ध आत्मगण है, जो केवल आपके प्रसन्नता के लिए जिनका प्रत्येक कार्य है, ऐसे शुद्ध आत्मगणों के लिए आप नित्य निरंतर प्राप्तव्य है। क्यों? क्योंकि उन शुद्ध आत्मागण आपके चरणों की सेवा के व्यतीत, आपके चरणों की भक्ति के व्यतीत दूसरा कोई काम में अपना मनोयोग लगाते ही नहीं है। इसलिए ऐसे जो महद व्यक्ति है जिन्होंने अपना सब कुछ भगवत पाद पद में अर्पित करके भगवत चिंतन में ही मत है, ऐसे महद व्यक्ति गणों का, ऐसे शुद्ध भगवत भक्त गणों का जो प्रकृष्ट रूप से संग प्राप्त कर लेता है, वास्तव में उस व्यक्ति के ऊपर आपका अशेष कृपा होता है। क्यों? क्योंकि उस अमलात्माओं के मुख से आपके परम पवित्र चरित्र को श्रवण करने के माध्यम से वे आपको नित्य निरंतर अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। और जहां आपका अनुभव है, आपका दर्शन साक्षात है, वहां पर परम सुख है, परम शांति है, वहां निरानंद नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। बोलते वे लोग इस अतिशय दुख कष्ट से परिपूर्ण इस भीषण भव समुद्र को अनायास उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसलिए ध्रुव जी ने क्या बताया, भैया इस भव समुद्र जहां पर अत्यंत दुख है, क्लेश है, उसको उत्तीर्ण होने के लिए एक ही उपाय बताया। वो क्या है? भगवान के परम प्रिय भक्तों के मुख से भगवत कथा का श्रवण करना। इसलिए हे पद्मनाभ, आपके पाद पद्मों में जो सुगंध निकलता है, बल्कि उस सुगंध के प्रति लालायित होकर के, उस सुगंध के प्रति लुप्त हृदय होकर के महात्मा गण क्या करते हैं, आपके कथा के प्रति विशेष लालसा युक्त होते हैं। क्योंकि ऐसे जो महात्मा गण हैं उनके मुख से भगवत पाद पद्मों का महिमा के माध्यम से भगवत पाद पद्मों के जो सुगंध है वो श्रवण करने के नासा में प्रवेश करता है। कानों के द्वारा वो अमृत पान हो रहा है, बोलते हैं नासा के द्वारा भी, उस वाणी के द्वारा, अमलात्माओं के वाणी के द्वारा भगवत पाद पद्म का सुगंध, वाणी के द्वारा सुगंध नाग में प्रवेश करता है। और वे सुगंध बोलते साधक के जीव के मनुष्य के हृदय को एकदम परम पवित्र कर देता है। और जिसके कान नाक में एक बार उस सुगंध प्रवेश करता है ना, वो उस सुगंध की ओर भागता है, जैसे मधुमक्खी है, अगर अगर किसी फूल में सुगंध है तो उनका नासिका सीधे वहां पर ही भागेगा। मधुमक्खी जिस प्रकार से
उस सुगंध युक्त रक्त से आसक्त होकर के उधर की ओर प्रमत्त होकर के भागता है, उसी प्रकार भगवत पाद पद्मों के सुगंध को जो एक बार प्राप्त कर लिया बोलते हुए उधर की ओर भागता है। वास्तव में ऐसा लोभ, ऐसा लालसा जागृत करने के लिए ही हमारा तपस्या है, हमारा साधन है, हमारा भजन है, हमारा साधन है। जब तक भगवत कथा के प्रति लोभ जागृत नहीं होता है, जब तक भगवत उस रस को आस्वादन करने वाले जो महात्मा गण है उनके प्रति हमारा लोभ जागृत नहीं होता है, तब तक तो भैया इस त्रिताप से मुक्त होना असंभव है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, बलते जीव को इस काल रूपी अजगर सांप के मुख से त्राण करने के लिए ही तो भगवत कथा है। इसलिए उस भगवत कथा के प्रति जिसका रुचि नहीं हुआ, जिसका आसक्ति नहीं हुआ, जिसका लोभ नहीं हुआ, ध्रुव जी कहते हैं वो व्यक्ति जीते जीते मुर्दा है, मरा हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार ध्रुव जी बड़े सुंदर तत्व के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से भगवान के महिमा युक्त अलंकार से संयुक्त होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति करते हैं। जीव के विषय में, जीव के तत्व के विषय में, जीवात्मा के विषय में ध्रुव जी बड़ी सुंदर बातें करते हैं। और क्या इनका विचार है, क्या तत्व है जीवात्मा के विषय में, ध्रुव जी के स्तुति के माध्यम से उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च।